पुष्कर में मैराथन का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस मैराथन में जोश से स्थानीय स्कूल एवं लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के संयोजक प्रशिक्षु आईपीएस कामले इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रशिक्षु आईपीएस कामले शरण गोपीनाथ लगे हुए थे, साथ में अमित भट्ट। इनहेल्प एक्सहेल साइड चेंज, इनहेल्प रिलैक्स, दोनों पैरों को पास में जोड़ो, शेक कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी देखिए सर, एक सेकेंड, देखिए अपने को क्या करना है, दोनों पैरों को खोलना है और अपने टोस को, पंजों को बाहर ले लेना है, ठीक है? अपने पंजों को बाहर ले लें, हाथ जोड़ते हुए ऊपर और बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। साथ छोड़ते हुए दोनों हाथ अपने चेस्ट के सामने, वापस हाथ जोड़ते हुए ऊपर, जय श्री राम। साथ छोड़ते हुए बैंड करते कितना अपने आएगी और फिट और हिट रहेंगे, जिससे क्या कि लोग जागरूक भी होंगे, जिससे अभी कोरोना आया था कुछ समय पहले उसके अंदर भी लोगों ने अपनी रनिंग स्टार्ट की थी, जिससे अपना शारीरिक और मानसिक सही रह सके, फिटनेस बना रहे, जिससे हमें काफ़ी लोगों को फायदा होगा कि पुष्कर की एनर्जी बनी रहेगी, इससे काफ़ी लोगों को संदेश भी मिला है कि जिससे आसपास के एरिया को भी उनको फिट रख सकेंगे। हाँ, फिट रख सकेंगे, है ना? आपका नाम सर? नरेंद्र कुमार जी। आपके हिसाब से क्या ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए? हाँ सर, होने चाहिए, है ना? हर साल होने चाहिए जी। और क्या उम्मीद रखते हैं आप कुछ आने वाले समय में, और किस किस तरह से सरकार रख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसी ही गतिविधियाँ 6 महीने में लगभग युवाओं को लेकर के होनी चाहिए, जैसे लंबी कूद हुई, ऊंची कूद हुई, घोड़ा ट्रैक हुआ, रिले दौड़ हुई, शूट जैसे 100 मीटर का, 200 मीटर का हुआ, तो ऐसा होने चाहिए जिससे क्या युवाओं का जोश बरकरार रहे और यहाँ भी अपने एक खेलकूद प्रतियोगिताओं को लेकर के समाज के अंदर जो युवा लोग है वो आगे आ सके और इस खेलकूद प्रतियोगिता से और शारीरिक मेहनत से दूर नहीं हो सके। अपने कुछ कहना चाहेंगे आपके इसके लिए? जितना कहे उतना ही कम है, क्योंकि एसपी साहब ने जो कदम उठाए हैं वो सराहनीय है। वर्तमान में सोशल मीडिया की दुनिया में अपन देखें तो युवा वर्ग इतना पिछड़ता हुआ चला जा रहा है, जैसे उसमें व्यसन मुक्ति ले लो, कुरीति उन्मूलन ले लो, या फिर समाज के अंदर ऐसी जो यानी जो युवा पीढ़ी है, शिक्षित वर्ग है, वो ऐसे ऐसे घिनौने हरकतें, ऐसे काम करते हुए चले जा रहे हैं जिससे क्या समाज एक बहुत पिछड़ा हुआ चला जा रहा है। तो उससे उस समाज में से ऐसे युवा इकट्ठा करके समाज के सामने ऐसे पेश करने का जो मौका है ये यहाँ से अपन प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसे साहब का ये सराहनीय कदम है। ऐसे कदम समय समय पर उठाते रहेंगे तो समाज के अंदर भी और हमारे युवा वर्ग के अंदर भी ऐसी जोश और उमंग जगेगी, जिससे हम राष्ट्र को समुन्नत बनाने के लिए और उस पुष्कर को स्वच्छ बनाने के लिए हम भी अपना कुछ कदम बढ़ाएंगे। आपका नाम सर? सूर्य प्रकाश है, गायत्री शक्तिपीठ पुष्कर। जय हो।